नमस्कार, अत्यार सुधी तमाम खास समाचारों साथे हूं छु झरणा। शुरू करिए समाचार सुपरफास्ट। गुजरात में कोरोना कहर, छेल्ला 24 कलाक में कोरोना 24,485 नवा केस नोंधाया। कोरोना की वधु 13 दर्दी ना मौत, कोरोना की वधु 10,310 दर्दी रिकवर थया। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1,00,000 ने पार। अमदावाद में कोरोना सौथी वधु 9,957 केस नोंधाया। सूरत में 3,704 केस, वडोदरा में 3,194 केस, राजकोट में 1,521 केस। भावनगर में 587, वलसाड़ में 446 केस, गांधीनगर में 734, नवसारी में 297 केस नोंधाया। भरूच में 408, जामनगर में 599 केस सामे आया। वडोदरा में कोरोनाए लीधो डॉक्टर नो भोग, गोत्री हॉस्पिटल में कोरोना की महिला डॉक्टर नु मौत, पुष्पाबेन अमीन नामना गायनेक डॉक्टर नु मौत। प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ खाते 30 करोड़ ना खर्चे नवनिर्मित अतिथिगृह वर्चुअली उद्घाटन कर्यु। आ सर्किट हाउस खाते थी अरबी समुद्र ने सोमनाथ मंदिर परिसर नो नजारो माणी शकाशे। इफ्कोना चेयरमैन बन्या बाद दिलीप संघाणी अमदावाद पहुंचा, इफ्कोना वाइस चेयरमैन तरीके संभाळता हता जवाबदारी। देश की सर्वोच्च सहकारी संस्था एनसीयूआई ना पण प्रमुख छे संघाणी। गढ़ा तालुकाना सोहला गामे महंत की हत्या, रामदास गुरु मोहनदास की हत्या करेलो मृतदेह मळ्यो। आश्रम कूआ में मृतदेह मळ्यो, महंत छेल्ला 5 दिवस गुम हता। वीरपुर हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर ने कोरोना थता दर्दियों ने पड़ती हालाकी, पूर्व आरोग्य चेयरमैने हॉस्पिटल ने लीधी मुलाकात, लोगों नवा डॉक्टर मुकवानी करी मांग। वापी में नकली जंतुनाशक दवाओं कौभांड पकड़ायु, आरोपी जाणीती कंपनियों डुप्लीकेट लोगो, बेच नंबर और बारकोड लगावी जाणीती कंपनियों नामे नकली दवाओं वेचाण करता झड़पायो। 11,00,000 मुद्दामाल जप्त करायो। लीमड़ी सिविल हॉस्पिटल खाते आरटीपीसीआर टेस्टिंग लैब शुरू कराई, आज की कार्यरत लैब में दैनिक 500 टेस्ट कर सकाशे। अगाउ सुरेन्द्रनगर अमदावाद मोकलवामां आवता हता रिपोर्ट। राजकोट जेल में कोरोना कहर, पुरुष कैदी रिपोर्ट पॉजिटिव आता आइसोलेट करायो, महिला कैदी संक्रमित थता हॉस्पिटल में खसेड़ाई, एक कांस्टेबल पण थयो कोरोना थी संक्रमित। कोरोना वधता संक्रमण की वच्चे सूरत में काम करता परप्रांतीय वतन तरफ परत फर्या होवाना अहेवालों, पहली लहर का कड़वा अनुभव छता श्रमिकों लग्न प्रसंग और धूळेटी आती होवाने लईने वतन तरफ फर्या, जो कि टेक्सटाइल अग्रणीओए आ बाबत ने नकारी दीधी। मोरबी जिल्लाना रातावेड़ा गाम में युवा सरपंच की निमणूक, शक्ति माता मंदिरे टेक लई सरपंच कार्यभार संभाळशे। गामने डिजिटल बनावा लीधा प्रण, फरियाद बॉक्स द्वारा ग्रामजनों की समस्या निवारण लवाशे। जामनगर बेड़ी बंदर पर हवामान खाता की आगाही ने लईने सतर्कता, माछीमारों ने दरियो न खेड़वा अपाई सूचना। 21 और 22 जान्युआरी भारे पवन फूंकावानी शक्यता। महेसाणा जिला में यूरिया खातर की अछत, जान्युआरी मास में 12,000 मेट्रिक टन यूरिया खातर सप्लाय प्लान, जेनी 5,700 मेट्रिक टन खातर फाड़वामां आव्युं। रवि पाकना वावेतर विस्तार वधवाथी खातर की मांग वधी। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी नो 4 सीनियर डीन ने सौंपवामां आवे तेवी शक्यता, भाजप और संघ साथ जोड़ायेला शिक्षण शास्त्री ने सौंपवामां आवे तेवी वाटाघाटो। कुलपति नो ताज मेळववा गांधीनगर सुधी लॉबिंग। सुरेन्द्रनगर में कोरोना संक्रमण ने लईने प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक योजाई, हॉस्पिटल में कोविड बेड की उपलब्धता पर चर्चा। धनवंतरी रथ द्वारा टेस्टिंग तेमज कंटेनमेंट जोन में सर्वेलेंस की कामगीरी हाथ धरवामां आवी। नवसारी की बिलीमोरा पालिका ने नारी गल्लावाड़ा ने हटावा निकलता विवाद, जिल्ला में गैरकायदे बांधकाम अटकावा कोई कामगीरी नहीं, पाथरणावाड़ा ने परेशान करवा नाखशे। महेसाणा जिल्ला में असामाजिक प्रवृत्ति फैलावता 6 लोगों सामे गुनो नोंधायो, 5 आरोपी की कराई धरपकड़, मुख्य आरोपी की तपास हजू पण यथावत। आरोपियों की हत्या प्रयास सहित अनेक गुनाओं में 6 संडोवणी। राजकोट में छेल्ला 3 दिवस गुम थे युवक नो मृतदेह मळी आव्यो, एम्ब्युलेंस ड्राइवरे मृतदेह जोता पोलीस ने जाण करी, पोलीसे आगळनी तपास शुरू करी। पंचमहाल शहर पसनाल पाटिया पासे वाहन ने नड़ियो अकस्मात, टायर फाटता डिवाइडर कूदीने गाड़ीए 3 वक्त पलटी मारी, अकस्मात में कार चालक नु घटनास्थले मौत, अन्य एक युवक इजाग्रस्त थयो। नड़ियाद उत्तर संडा में बैंक ऑफ बड़ोड़ा एटीएम में आग लागी, शॉर्ट सर्किट ने कारण लागी हती आग, फायर विभागे आग पर मेळव्यो काबू, घटना में कोई जानहानि नहीं। मेडिकल स्टोर पर तवाई, तोलमाप विभाग की टीमों स्टोर में हाथ धरी तपास, एमआरपी कीमत साथ छेड़छाड़ करी थतुं हतुं वेचाण, 40 जेटला एकमों पर तपास करता 5,00,000 नो दंड वसूलायो। अन्य केटलीक नानी मोटी गैररीतिओ पण सामे आवी, देशभर में प्रथम वक्त आ प्रकारनी ड्राइव योजाई हशे। भावनगर महानगरपालिका की सूरत शहर की जेम पार्किंग पॉलिसी अमल में लावा मथामण, नो पार्किंग जोन में पण लोको करी रह्या छे पार्किंग, जेना कारणे ट्राफिक की समस्या में वधारो।
तापी जिल्લાના અર્ધલશ્કર દળના નિવૃત્ત જવાનોએ કલેક્ટરને આપ્યું આવેદનપત્ર પીએચ જેટલી માંગો સાથે અધિક રજૂઆત કરી વિવિધ કલ્યાણકારી લાભો આપવાની માંગ કરી મોરબી નગરપાલિકાની બાકી વેરો ન ભરનારા લોકો પર કડક કાર્યવાહી મર્યાદિત સમયમાં વેરો નહીં ભરવામાં આવે તો પાણી ગટર તથા નગરપાલિકા દ્વારા મળતી અન્ય સુવિધાઓ રદ કરાશે રહીશોએ આર્થિક રાહતની માંગ કરી छोटाउदेपुर में श्वान करड़वा की महिला की मौत बोडेली तालुका डोरमार गाम की घटना हड़काया श्वान ने लई लोगों में डर माहौल हड़काया श्वान ने गाम त्रण जेटला लोगों ने बचका भरया गुजरात राज्य फेरपाइज शॉप्स एंड केरोसीन लाइसेंस होल्डर एसोसिएशन की पुरवठा प्रधान ने रजूआत राशन संचालकों ने ऑनलाइन रेशन कूपन काढ़वामां थी मुक्ति मळे अने ऑफलाइन वितरण की मंजूरी की मांग तो आ साथे समाचार सुपरफास्ट में हाल रोकाईश ब्रेक माटे सूरत में बस में आग मामलो मृतक युवती पतिए खुलासो कर बस में पार्सल और सैनेटाइजर केर में था बस नॉन एसी थी तो एसी कम्प्रेसर फाटवा की बात क्या थी आवी सूरत सोमिया प्रोसेसर्स में आग मामले त्रण लोगों की मौत शॉर्ट सर्किट ने कारण पलसाणा सोमिया प्रोसेसर्स में लागी थी आग सवारथी हता त्रण लोको लापता ऑफिस में फर्निचर नु काम करता त्रण लोकोना थया मौत 11 कलाक नी जहमत बाद त्रणे लोकोना मृतदेह मळी आव्या गुजरात ना राजकारण ना मोटा समाचार राज्यना 40 बोर्ड में थई शके छे नवी निमणूक नो रिपीट थियरी आधारित निमणूक नी प्रबळ शक्यता 5 थी वधु चेरमेनोना नवी निमणूक माटे राजीनामा लेवायानी वात धारासभ्य ने टिकट थी वंचित रहना ने अपाशे बोर्ड निगम पक्षना अनेक वरिष्ठ आगेवानों ने मळशे महत्वनुं पद 2022 नी चूंटणी पहला भाजपनी नवी रणनीति चूंटणी पहला 7000 थी वधु कार्यकरो साचवानी कवायत बोर्ड निगम में चेरमेनों राजीनामा धनसुख भंडेरी लीलाबेन अंकोलियाए आप्यु राजीनामु बीएच घोडासरा विमल उपाध्याय आप्यु राजीनामु आगामी दिवसों में नवी नियुक्तिओ थशे वधु एक वक्त आप में पड़शे गाबड़ू आपना गांधीनगर जिला महिला प्रमुख सावित्रीबेन शर्मा जोड़शे भाजप में जिला कक्षा नेताओं कमलम थी जोड़शे भाजप में गुजरात विधानसभा की चूंटणी डिसेम्बर में योजाशे भाजप प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल निवेदन आ उपरांत पाटिले कहूं कि अमे कांग्रेस कोई धारासभ्यों ने भाजप में लीधा नहीं गुजरात में विधानसभा चूंटणी ने लईने प्रदेश भाजपनुं काउंटडाउन पेश प्रमुखों ने पाटिलनुं मार्गदर्शन विधानसभा में वधु बैठकों जीतवा माटे अपायुं मार्गदर्शन 580 स्थलों पर प्रदेश अध्यक्ष पाटिलनुं वर्चुअल संबोधन धारासभ्य सांसद और स्थानिक नेताओं रह्या हाजर कमलमथी पाटिले कर्युं वर्चुअल संबोधन राजकोट में एलआरडी पीएसआई ना भर्ती कौभाड़ो मामलो आरोपी कृष्णा ने आरिफ ना निवेदन में विरोधाभास आरिफे कहूं कि सोनानी खाण की लालच आपी राजकोट बोलाव्यो कृष्णाए मने कोई रकम नहीं आपी बुलेट ट्रेन जमीन संपादन कौभाड केस में एनआरआई की जमीन बीजा नामे करी वर्तर मेळवानुं कौभाड सूरत पोलीसे एक वकील सहित बे लोकोनी करी धरपकड़ जमीन संपादन में 100 करोड़ कौभाड की आशंका कौभाड बाद असरग्रस्त खेडूतों की बहारे आई पोलीस असरग्रस्त खेडूतों माटे पोलीसे जाहिर कर्या नंबर आरोग्य मंत्री साथेनी बैठक बाद डॉक्टर्स की हड़ताल समेटाई राज्य सरकारे डॉक्टर्स की तमाम मांगणी स्वीकारी डॉक्टर्स नुं एरियर्स 5 सप्ताह में चूकवाशे 13 मार्च सुधी जीआर करी अमलीकरण करवामां आवशे तबीबोए कह्युं सरकारना हकारात्मक वलणना कारणे हवे हड़तालनी जरूर नथी अमदावादना जीएमडीसी में धनवंतरी होस्पिटल शुरू करवा कवायत होस्पिटल शुरू करवा स्टाफ की मांग कराई होस्पिटल में सफाई करी बेड तैयार कराया सरकार आदेश बाद शुरू थई शके छे धनवंतरी होस्पिटल डीआरडीओ बीजी लहर वखते बनावी हती होस्पिटल धनवंतरी होस्पिटल में 1005 बेड की व्यवस्था धनवंतरी होस्पिटल में 151 आईसीयू बेड की व्यवस्था वडोदरा में खानगी दवाखाना की ओपीडी में 70% वधारो 100 में 80 लोग पॉजिटिव एक महीना में ज खांसी और शर्दी केसों में 4 गणो वधारो अमदावाद में कोरोना केस में धरखम वधारो बीजी लहर करता होस्पिटलाइजेशन ओछू सामान्य लक्षणों में लोग आए पॉजिटिव नाना दवाखानाओं में दर्दियों धसारो अमदावाद सिविल में वधु मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित थयो सिविल होस्पिटल में कुल 70 मेडिकल स्टाफ ने कोरोना पेथोलॉजी विभाग मेडिसिन विभाग में संक्रमण वध्यु अमदावाद में कोरोना बढ़ता केस की वच्चे क्लिनिक में दर्दियों की भीड़ वधी वहली सवार थी ज दर्दियों क्लिनिके पहुंचा उत्तरायण बाद शर्दी खांसी और तावना केस में थयो वधारो
અમદાવાદના નવા વાડજ બાદ વેજલપુર વિસ્તારમાં પહોંચ્યું ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. વેજલપુરમાં પણ ડોક્ટરના ક્લિનિકમાં ઉમટી દર્દીઓની ભીડ. કોરોના વાયરસના સમયમાં શરદી ખાંસીના કેસ વધ્યા. સુરતમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની ભીડ. શરદી ખાંસીના કેસમાં 6 ગણો વધારો નોંધાયો. પોણા ભાગનું શહેર અત્યારે માંદગીના ભરણામાં સપડાયું. મહેસાણાના કડી શાક માર્કેટમાં કોરોનાના નિયમો ભૂલાયા. મોટી સંખ્યામાં લોકો શાકભાજી લેવા માટે પહોંચ્યા. માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ એસી તેસી. કોરોનાના વધતા કેસ વચ્ચે માસ્ક પણ નથી પહેરતા લોકો. પશ્ચિમ બંગાળના ડિબ્રુગઢમાં સતત વધી રહ્યા છે કેસ. વધતા કેસમાં પણ લોકો કોરોનાના નિયમોનું નથી કરતા પાલન. માર્કેટમાં માસ્ક વગર ફરી રહ્યા છે લોકો. ઉત્તર પ્રદેશ ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસે ઉમેદવારોનું બીજું લિસ્ટ જાહેર કર્યું. લિસ્ટમાં 41 ઉમેદવારોના નામ, જેમાં 16 મહિલા ઉમેદવારોનો સમાવેશ. આ પહેલા કોંગ્રેસે 125 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા, જેમાં 50 મહિલાઓને ટિકિટ અપાઈ. ઉત્તર પ્રદેશમાં કોંગ્રેસનું લડકી હું લડ સકતી હું નામથી અભિયાન ચાલુ. અભિયાન અંતર્ગત મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધીએ વાયદો કર્યો કે યુપીમાં તેઓ 40% ટિકિટ મહિલાઓને આપશે. કોંગ્રેસે કેરાના, શામલી, થાના ભવન, મુઝફ્ફરનગર, ખતૌલી સહિત સીટો પર ઉમેદવારો ઉતાર્યા. આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીનું સંબોધન. વિડીયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી આપી હાજરી. કહ્યું કે બ્રહ્મા કુમારી સંસ્થા દ્વારા કાર્યક્રમની શરૂઆત થઈ. સ્વર્ણિમ ભારત માટે ભાવના પણ અને સાધના પણ. પીએમ મોદીએ કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં 7 કામોને આપી લીલી ઝંડી. મેરા ભારત, સ્વસ્થ ભારત, આત્મનિર્ભર ભારત, કિસાન, મહિલા અને સ્વચ્છ ભારત જેવા અભિયાનથી કરાવી શરૂઆત. ઓબીસી રિઝર્વેશન પર સુપ્રીમ કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો. કોર્ટે કહ્યું સામાજિક ન્યાય માટે આરક્ષણ જરૂરી. આરક્ષણ અને મેરિટ એકબીજાના વિરોધી નથી. સુપ્રીમ કોર્ટે મેડિકલ કોલેજમાં એમબીબીએસ, બીડીએસ અને તમામ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કોર્સમાં 27% ઓબીસી આરક્ષણને સંવૈધાનિક રીતે યોગ્ય ગણાવ્યું. અગાઉ આવા કોર્સમાં થતો હતો વિરોધ. મધ્યપ્રદેશના રતલામમાં હિન્દુ ધર્મના લોકોએ ગામમાંથી પલાયન કરવાની ધમકી આપી. મુસ્લિમ ધર્મના લોકો હિન્દુઓને પરેશાન કરતા હોવાનો આક્ષેપ. ગામ લોકોએ કલેક્ટરને રજૂઆત કરી, જો મદદ નહીં મળે તો તેઓ ગામ છોડીને જતા રહેશે. રતલામના સુરાના ગામમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ધર્મને લઈને ચાલે છે વિવાદ. મંગળવારે મામલો બિચકાતા હિન્દુ ધર્મના લોકોએ ચીમકી ઉચ્ચારી. ધર્મને લઈ ગામમાં મારપીટની પણ ઘટનાઓ બની. મુસ્લિમોની વસ્તી વધુ હોવાથી ધમકી મળતી હોવાનો લોકોનો આક્ષેપ. કોરોનાએ લગ્ન પ્રસંગનો બિઝનેસ કરતા લોકોની કમર તોડી નાખી. મંડપ અને મેરેજ હોલમાં બુકિંગ ન થતા ધંધાર્થીઓ પરેશાન. કોરોનાના કારણે કડક નિયમો હોવાથી લગ્ન પ્રસંગો પણ મોકૂફ થયા, તો લિમિટેડ લોકોની મંજૂરી હોવાથી વેપારીઓને નુકસાન. સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશનરની લોકોને અપીલ. લોકો સાવચેત રહેશે તો કેસ નહીં વધે. 7-8 દિવસમાં કેસ ઘટવાની શક્યતા. પાલિકા દ્વારા 140 ધન્વંતરી રથ વધારીને 200 રથ કરાયા. વડોદરામાં કેસ વધતા તંત્ર એક્શન મોડમાં. સયાજી હોસ્પિટલમાં ટ્રોમા સેન્ટરના 6 માળ ખાલી કરાયા. ટ્રોમા બિલ્ડિંગમાં દાખલ 150થી વધુ દર્દીને સર્જિકલ વોર્ડમાં મોકલાયા. કોરોનાના કેસ વધતા કરાયું આગોતરું આયોજન. અમદાવાદ સાયન્સ સિટી રોડ પર આવેલી બેંકમાં 10 કર્મચારીઓ કોરોના પોઝિટિવ. એક સાથે 10 કેસ આવતા બેંક બંધ કરાઈ. વડોદરાની એમએસ યુનિવર્સિટીમાં કોરોનાનો કેર. ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં કોરોના ટેસ્ટિંગ શરૂ કરાયું. કોવિડ ટેસ્ટિંગ દરમિયાન એક વિદ્યાર્થીની થઈ બેભાન. 73 ટેસ્ટિંગમાંથી 10 વિદ્યાર્થીનીઓ પોઝિટિવ. રાજકોટ પોલીસ બેડામાં કોરોનાનો કેર. અધિકારી અને પોલીસકર્મીઓને કોરોના. 45 પોલીસકર્મીઓને કોરોના. ઝોન 1ના ડીસીપી પ્રવીણકુમાર મીણા, એસસી એસટી સેલના એસીપી પટેલ પણ કોરોના સંક્રમિત. વધતા કોરોનાના કેસને લઈને વલસાડ જિલ્લા પોલીસે લોકોને અપીલ કરી. પોલીસે લગ્ન આયોજકને રૂબરૂમાં નિયમ પાલન માટે વ્યવસ્થા સમજાવી, તેમજ નિયમોનો ભંગ થશે તો કાર્યવાહી કરાશેની સૂચના આપી. સાંસદ ભરતસિંહ ડાભીને કોરોના. ભરતસિંહ ડાભી પોતાના નિવાસસ્થાને થયા હોમ આઇસોલેટ. અધિકારીઓ સાથે રાજકીય નેતાઓ પણ કોરોનાની ઝપેટમાં. સુરતના કામરેજમાં યોજાયેલ ગૌ વિવાહ પ્રસંગમાં ભીડ થતા ગુનો નોંધાયો. વાછરડા વાછડીના અનોખા લગ્ન જતા ભીડ ભેગી થઈ હતી. ગૌ વિવાહનું આયોજન કરનાર આયોજક વિરુદ્ધ પોલીસે ગુનો દાખલ કર્યો. મહેસાણામાં કોરોનાના કેસ વધતા ડીડીઓએ આપી સૂચના. ગામોના સરપંચ અને તલાટીને સ્થાનિક લેવલે કોવિડ કેર સેન્ટર શરૂ કરવા સૂચના. મહેસાણામાં કોરોનાના છેલ્લા 24 કલાકમાં નોંધાયા 258 કેસ. ડાંગમાં પૂર્વ એમએલએ મંગળ ગાવિત અમરનાથ ઉપવાસ પર. દક્ષિણ વન વિભાગની હેરાનગીની ફરિયાદ. વઘઈ સાપુતારા માર્ગ પર ચાલી રહ્યું છે હોટેલનું કામ. વન વિભાગ ખોટી રીતે હેરાન કરતો હોવાનો આરોપ. પૂર્વ એમએલએ મંગળ ગાવિતની આપઘાતની ચીમકી. મંગળ ગાવિતનું બ્લડ પ્રેશર અને શુગર લેવલ વધ્યું.
आदिवासी लोगों ने ईसमो कहता कांग्रेस का प्रमुख निवेदन। गुजरात आदिवासी समाज में भयंकर असंतोष की लागणी। कहूं के सरकार द्वारा जाहरात में आदिवासी समाज माटे ईसम शब्द नो उपयोग थता समाज में छे रोषनी लागणी। नवसारी जिला पंचायत की सामान्य सभा में सत्ताधारी भाजपा सभ्यों की बेदरकारी, जेनो वीडियो वायरल। एक तरफ सामान्य सभा में प्रजा विविध प्रश्नों और प्रस्तावों पर चर्चा, बीजी तरफ सभ्यों परिचय पत्र फॉर्म भरवा मशगूल। राजकोट में पीजीवीसीएल एमडी नामे वातचीत ऑडियो वायरल। अमरेली वीज कर्मचारी यूनियन सेक्रेटरी एमडी पर करो आक्षेप, अभद्र भाषा बोलिया एमडी पर आरोप। एमडीए कहूं कि मारा नाम दुरुपयोग कर फोन करायो। राज्य में त्रण दिवस सुधी मावठा की आगाही। हवामान विभागे 22 जानुआरी सुधी सौराष्ट्र कच्छ उत्तर गुजरात तथा दक्षिण गुजरात में मावठा की आशंका व्यक्त की। द्वारका में हवामान विभाग द्वारा मावठा ने लीधे चेतवनी। समुद्र में 40-50 किलोमीटर की झड़पे पवन फूंकाने की शक्यता। 22 तारीख सुधी मछीमारों ने दरियो न खेड़वा ताकीद। राज्य हवामान विभाग की आगाही। 21-22 जानुआरी रोज पोरबंदर सहित दरियाई विस्तार में मावठा की आगाही। मछीमारों ने दरियो खेड़ती वक्त सावधानी राखवा अपाई सूचना। महेसाणा जिला में फरी एक बार खातर माटे खेडूतों की लाइनो लागी। बहुचराजी तालुका संघ में खेडूतों की खातर माटे लागी लाइनो। जगतनो ताप, खातर लेवा लांबी लाइन में रहवा मजबूर। आणंद जिला उमरेठ तालुका खेडूतों खेती करवानो अनेरो उत्साह। ऑर्गेनिक पद्धति थी करी रहा है शियाळू मरचा की खेती। अवनवा प्रयोग थी करी रहा है सारा में सारी आर्थिक कमाणी। डीसाना भीलवास में मोड़ी रात्रे फायरिंग की घटना। सामान्य बोलाचाली में युवक पर गोली चलावी दीधी। पग में गोली वागता अरविंद सिंह नामनो युवक थयो घायल। आरोपी ने डीसा पुलिस करी अटकायत। डीसा में मोड़ी रात्रे फायरिंग बाद मेडिकल में पिस्तौल बतावीने धमकी आपता सीसीटीवी आया सामे। सामान्य बोलाचाली में युवक पर करायु हतु फायरिंग। हुमलाखोरी अगाउ अनेक गुनाओं में संडोवणी। बनासकांठा अमीरगढ़ चेकपोस्ट पर चरस झड़पायु। चरस ने गोवा ले जाए। पुलिस आरोपी की अटकायत करी वधु तपास हाथ धरी। अंदाजे 48 लाख नो माल जप्त करायो। आणंद बोरसद में परणीता शंकास्पद मौत। बाथरूम में शंकास्पद हालत में मळ्यो मृतदेह। गळा पर गंभीर इजाओ थी हो पीएम रिपोर्ट में खुलासो। परणीता पियर पक्षे पुलिस में अपी अरजी। राजकोट में पतिए पत्नी की हत्या की। पत्नी चारित्र पर शंका जता गड़े टूंपो दईने मौत ने घाट उतारी। 4 महीना पहला ज थयो हतो लग्न। पुलिसे वधु तपास हाथ धरी। जीवदया संस्था में काम करता आधेड़ पुत्र पर अजाण्या लोगों छरीवाड़े हुमलो। हॉस्पिटल में दाखिल कराता 6 टांका आया। परिवार फरियाद करता ईसनपुर पुलिस फरियाद नोंधवा में करी आनाकानी। चोटीलाना शेखलिया गांव में 19 वर्ष की मंदबुद्धि की छोकरी साथ दुष्कर्म की घटना। युवती पेट में 8 महीना गर्भ होवानु बहार आव्यु। पुलिस आरोपी ने पकड़वा चक्रो गतिमान कर्या।